कैसी लगी है? बहुत सुंदर लग रही है। हमारा संजू तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, पर तू कुछ उखड़ी उखड़ी सी नहीं नजर आ रही। बात क्या है? अबे आ रहे हैं ना, दे देंगे तुम्हें पार्टी। पंखुड़ी देखो इसमें से कौन सी पसंद आ रही है। अरे देखना क्या है माँ, लाओ। जिसमें सबसे बड़ा हीरा होगा वही देंगे। दादी मैं तो सोच रहा हूँ कल रोके के साथ साथ सगाई कर लेते हैं। देख रही है अम्मा, अभी शादी हुई नहीं, हीरो की बरसात पहले से ही, कितना उतावला हुआ जा रहा है। हुआ बस, खीर जैसा छोटा मोटा आइडिया नहीं, ये तमाशा रोकने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा, जिसका सारा इल्जाम दी पर लगे। एक मिनट में आती हूँ। ठीक है, संजू ने अपनी जान पर खेल कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, मतलब संजीवनी सदन में प्रेम विवाह। पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें इस बात की जरा से भी खुशी है। बिल्कुल है चाची जी, वो बस आते ही खीर वाला अपशगुन हो गया ना। वैसे एक बात कहूँ, जब खीर बन रही थी तो तुम भी तो थी रसोई में, देखा था मैंने, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। चाची जी दी खीर बना रही थी, मैं तो किचन में पानी लेने आई थी ना। अच्छा, फिर क्यों इतना परेशान हो रही है? अब तो भाई साहब ने भी मुहूर्त निकाल दिया है, अगर पंडित जी मुहूर्त निकालते ना तो जाने कितना टाइम लगा देते। हाँ वो चाची जी, मुझे नानी की याद आ रही है। ऐसे शुभ दिन पर वो यहाँ नहीं है ना। सही बात है। देखिए ना, आप नाराज हैं तो ना कोई बड़ों की तरह बता रहा है कि शादी में क्या करना है और ना ही कोई बच्चों की तरह रौनक लगा रहा है। अरे क्योंकि हमारे लिए तो दोनों आप ही हैं ना, मान जाइए ना प्लीज। वेदांत बातें ना बना,
अरे जो रमेश ने बिना मुहूर्त सगाई करने का फैसला किया है ना, वो सरासर गलत है। मैं कब से बोल रही हूँ सबको कि पंखुड़ी और संजू की जोड़ी मेल नहीं खाती, पर मेरी बात कोई मानता नहीं। तुझे भी मैंने कहा था ना। ऐसा नहीं है मेरी प्यारी दादी। देख, संजू और पंखुड़ी को इस रिश्ते पे भरोसा है, तो हमें भी उन पे थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए। रुकिए वेदांत, पहले दादी को ये मैंगो जूस और चीज सैंडविच खाने दीजिए। वाओ, शायद मन खुद ही बदल जाए। चीज सैंडविच मेरी फेवरेट। तूने सारी कमजोरियां मेरी बता दी ना इसे। आप ही तो कहती है मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो ईश्वर के मन का हो जाता है। दादी सब मान गए, आप भी मान जाइए प्लीज। मेरा राम और मेरी सीता अगर ऐसा ही मानते हैं तो ठीक है। चलो भाई, इस खुशखबरी के साथ तुम दोनों इस हेल्दी फूड के लिए चीटिंग कर लो। पर दादी ये तो आपके लिए। मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। तो अब हम तीनों मिलकर खाएंगे। तीनों हो जाए शुरू। अरे यार जल्दी जल्दी करो, कितनी देर हो गई है। बोले साइड में होने, तुमने भी लगा लिया। अरे जीजी ये वाला फेस पैक लगा के ना, वो अंग्रेजी फिल्मों के हीरो नहीं है वो भरा वाला, क्या नाम है उसका, हलक, वैसी सी लग रही हो बिल्कुल। सुमति तुम्हारी ये बात मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी, पीछे हट। बोला क्या है, कितनी देर कर दी। तुम्हारे मालिक से ना शिकायत करने वाली हूँ कि अगली बार फूल लेके किसी और को भेजे। अरे कितना काम बाकी है, सजावट अधूरी है, रंगोली बाकी है, कब होगा ये सब। पहले मैं सजावट कर देता हूँ, रंगोली आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ बना दूंगा। हाँ जाओ जल्दी करो। वेदांत तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल माँ। अरे घर में सगाई है और हर कोई अपनी मर्जी से हर काम कर रहा है, अब तुम्हें भी अभी अस्पताल जाना है। शांत माते, जल्दी से पेशेंट्स देख के आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी नहीं, बहुत जल्दी। तुमने कुछ खाया कि नहीं? आता हूँ माँ, टेंशन मत लो, आ रहा हूँ। अरे वेदांत, दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो पूर्वा। काश मैं आपको कह पाती कि आप दूल्हे से ज्यादा हैंडसम लग रहे, लेकिन आप तो वही बोरिंग कपड़े पहन। अरे मेरी ब्यूटीफुल वाइफी, एक बार मुझे तैयार तो हो जाने, फिर देखना हमसे तुम्हारी नजर हटेगी ही नहीं, और फिर लोग कहेंगे राम बनाए जोड़ी, एक हैंडसम और एक ब्यूटी। ये लाइन आपकी है? बिल्कुल। बहुत अच्छी है। थैंक यू। पर उसके लिए आपको टाइम पर वापस भी तो आना पड़ेगा। और अगर वक्त से पहले आ गया तो इनाम लूंगा। क्या? हमारा पेंडिंग किस। अपना इनाम जीतने के लिए मेरा पहला कदम ये। Oh,
बाय द वे, मुझसे मिलने की जल्दबाजी में आप कुछ भूल गई। क्या? मान दीजिए ना, ठीक से बांधा ना। पक्की गांठ है, आसानी से नहीं खुलेगी। अच्छा सुनो, जब तक मैं घर से बाहर हूं ना, तुम ही वेदांत हो, सब संभालने ना है यहाँ पे। आपकी तरह परफेक्ट तो नहीं हो सकती, मैं प्रॉमिस करती हूँ कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, मैं चलता। बाय वाइफी। बाय। Hi, Pankhuri. All the best. सुन, तेरा कमरा तैयार करवा दिया है। ज्वेलरी और कपड़े वहीं पहुंच जाएंगे, और कुछ चाहिए हो तो बताना। अगर मेरे बस में होता तो मैं पंखु को संजू से शादी करने ही नहीं देती। मुझे संजू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नानी कुछ करो प्लीज, कम आओगे आप? बेटा यहाँ एक मुसीबत हो गई है, यहाँ ना लैंडस्लाइड हो गई है तो रास्ते सारे बंद हो गए। पर कह रहे थे कि 2 दिन लगेंगे, जैसे वो सब कुछ होता है ना मैं यहाँ से निकलूंगी। ठीक है जी, ध्यान रखना अपना। बाय। हाय, आपका गुस्सा फिलहाल यही तो चाहिए थी। फिर मैं सबको आपकी वीडियो दिखाऊंगी और साबित करूंगी कि आपने अपने गुस्से में ये रिश्ता तुड़वा दिया। पंखुड़ी, अच्छा हुआ बेटा तुम टाइम पर आ गई। एक काम करो, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मम्मी मेरी 2 घंटे की बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्लास है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्लास लास छोड़ और घर पे जो तेरा इम्तिहान है ना, तू तो उसकी तैयारी कर। मम्मी, और ये क्या सूखी झाड़ सी बन के घूम रही है? कुछ जानवान डाल, तैयार व्यार हो ढंग से। और तेरा फेशियल तो ना मैं करती हूँ आज, देख कैसे चमकाऊंगी तुझे मैं। हाँ सुमति, फेशियल के बाद ना मेरा वाला ये नीम पैक जरूर लगाना, अपनी बुआ की जैसे चमक उठेगी। हाँ जी जी, यही बचा रह गया इनका फेस पैक लगा के अपनी फूल सी बच्ची को बंदरिया बना दूं। चलो हाँ, मैं तैयार करती हूँ। हाय प्रतीक। हाँ मैं बस रास्ते में ही हूँ, वहीं की तरफ आ रहा हूँ। इंडियन कॉफी हाउस से मिलते हैं। बाय। यस डॉक्टर विकास। नहीं 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 नहीं, पहले आप उनका बीपी स्टेबलाइज करिए, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अब अंगूठी निकाल के थाल पे सजा देती। अब ये अंगूठी कहाँ गई?
पंखु ने जब मुझे दी थी मैंने तो उसी वक्त पर्स में रखा था इसे। इस अंगूठी को छुपाने से आज की मुसीबत तो टल जाएगी, पर अगर मुझे शादी को तोड़ना है तो मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अंकु ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और मैंने दी। ये सगाई की अंगूठी आप रख लीजिए, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है। पूर्वा बेटा। जी दादी। जी बेटा, कोई परेशानी है? दादी वो अंग, वो वेदांत ने कहा था टाइम से सब चेक कर लूं, शादी वाला घर है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस वही सब कर रही थी मैं। और कुछ बात तो नहीं है ना? नहीं दादी। जल्दी नीचे आ जाओ। क्या कर रही हूँ मैं? उस गधे संजू के लिए इतना रेडी हो रही हूँ? क्यों? क्यों गई मैं उस रात को उसके कमरे में? क्यों? मुझे कुछ करना होगा। पर क्या? वीडियो। पंखुड़ी बेटा अभी तो तैयार नहीं हुई। बस हो ही रही हूँ नानी मौसी। हाँ ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए खानदानी मांग टीका लेकर आई। क्या सुंदर नहीं है? नहीं नानी मौसी, बहुत सुंदर है। अभी तक तुमने झुमके नहीं पहने। चलो मैं पहना देती हूँ। क्या बात है पंखुड़ी, खुश नहीं हो? जो तो चाहती थी वही तो हो रहा है। समझ गई, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है ना, इसलिए घबरा रही होगी। हाँ नानी मौसी, घबराहट तो बहुत हो रही है, पर आज के दिन को लेकर नहीं। जब से मैंने पूर्वादी की बातें सुनी है ना, तब से। मतलब? पंखु ने संजू से शादी करने का फैसला किया और कल सगाई है उनकी। नानी मेरे पास में होता तो मैं पंखु को संजू से शादी करने ही नहीं देती। आप प्लीज कुछ करो नानी, जल्दी वापस आ जाओ। माफ करना, मेरे हाथ से ना गिलास फिसल गया था। फोन बंद हो गया। पंखुड़ी बेटा, तू क्या इन बातों को लेकर बैठी हो? पूर्वा जो चाहती थी वो चाहती थी, अब तो तेरी शादी संजू के साथ हो रही है ना। ले उदासी छोड़, जिससे तू प्यार करती है उसी से तेरा रिश्ता पक्का हो रहा है। अब तो खुश हो जा, प्यार करती है ना संजू से? है ना? जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। चाहती तो मैं भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो संजू से, पर इस वीडियो से एक बार फिर उंगली तो सिर्फ पूर्वा पर उठेगी और वो मैं होने नहीं दूंगी।
वेदांत आप तो है ना मेरे साथ, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूँ अब सिर्फ वही सब ठीक कर सकता है।